अरे अल्हम्दुलिल्लाह, सुना सर, आज मूसा भैया है, उससे बात कर लो। मूसा भाई कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या परेशानी है यार? अस्सलाम वालेकुम, वी आर इन अनदर व्लॉग्स। तो यहाँ से व्लॉग शुरू करते हैं। अभी उठ गया हूँ। हाँ, क्या हाल है जान? बस अभी नींद से उठ गए हैं, बस अभी जा रहे हैं काम के लिए। अभी फ्रेश होते हैं तो जा रहे हैं काम के लिए, और अब हमारे साथ रहे आगे। तो अभी फ्रेश हो गए, तो ये जनान परफ्यूम है और ये जनाना भी लगाएंगे हम। ये बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। यूसुफ भाई क्या हाल है यार? बहुत सुहाना मौसम है आज। सुहाना मौसम है ना? सुहाना मौसम है यार। मौसम का आज बिल्कुल कमाल के यार, ऐसा मौसम है कि मैंने कभी जून में भी नहीं देखा। यार कसम से सस्ता बारान है और बहुत जबरदस्त यार एंजॉय का मौसम है यार। किधर जाएंगे आज यार? आज जाएंगे शॉप पर जाते हैं। शॉप पर जाते हैं, काम वाम के लिए जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं तीनों भाई मांगुल चावल के लिए जा रहे हैं। तो आज मौसम भी बहुत सारा मौसम है और जा रहे हैं कि क्या सीन है, उधर रश बहुत ज़्यादा होता है यार। ये बहुत मशहूर लस्सी वाला है, ये शुभ बाजार है और सामने रहमान गुल चावल वाला है। और रश तो बहुत ज्यादा है यार। तो इधर से पैर टिकट मिलोगे। तो फाइनली चावल आ गया। तो अभी ये सब भाई बोतल ले चावल है, बहुत अमेजिंग चावल है। चावल इधर का चावल बहुत मशहूर चावल है, बहुत अच्छा। अरे मूसा भाई कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या परेशानी है यार? हम क्या बताए, उम्रे के लिए जा रहे और आसमान तक पहुंच गए, रियाल आसमान तक पहुंच गए। और परेशानी ये है कि आजकल पहले उम्रे पे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए आते, आजकल 4 लाख रुपए आ रहे हैं। 5 लाख 5 लाख तक गए, 4-5 लाख तक गए। तो इस बार थोड़ा महंगी बहुत मुश्किल है, बजट में थोड़ी कमी है। अल्लाह खैर करे कि हमारा बजट आसान हो जाए। असल में नहीं है, हम हर साल रमजान में जाते हैं तो
थोड़ा महंगा हो जाता है ना, फिर हर साल मुश्किल हो जाता है। अगर साल कभी 10 साल 5 साल बाद जाओ तो फिर भी आसान, लेकिन हर साल जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है क्योंकि बजट कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है और महंगाई भी बहुत ज्यादा उधर आई है ना, बहुत ज्यादा महंगाई। पहले मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, पिछले साल मैंने 1,07,000 का टिकट खरीदा था, इस बार मैंने अभी 3 महीने पहले लिए 1,40,000 का बिजनेस क्लास, 1,40,000 का मैंने टिकट खरीदे, और पिछली बार मैंने 45,000 का वीजा लिया था, आज मैंने 52,500 का मैंने वीजा खरीदा रिहायश के लिए, अलग पैसे पैसे और वहाँ फिर खाना माना और उधर भी क्या है वो कैन भी, पहले 1 रियाल का था अभी 2-3 रियाल का। हाँ बिल्कुल, 2008 में, बिल्कुल 2008 में जब था ना, एक रुपये 2 का होगा, आज इस बार 3-4 का कोई 5 का भी दे रहे हैं, हर किसी का अपनी मर्जी है, उसके भी यार जो ब्रांडेड जो हाई स्टैंडर्ड दुकानें जो माल थे ना वो बड़े बड़े उधर बिन दाऊद में सस्ता होता है, सस्ता होता है, वहाँ के रेट सही होते हैं, 2.5 रियाल होता है अक्सर, और बैग अलबैग में भी सही रेट है, जो मशहूर दुकानें ना वो अपने रेट नहीं, जो नॉर्मल इस तरह है कि बाज आप जाओगे केएफसी में तो वो आपको तकरीबन 10 रियाल 15 रियाल 10 रियाल में आपको केएफसी खिलाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में महंगा है, इस तरह ब्रांडेड वाला बहुत ज्यादा महंगा है और अल्हम्दुलिल्लाह उधर महंगाई बहुत हो गई है। पिछली बार मैं जंबो पेप्सी खरीदा था तो 5 रियाल का था, इस बार पिछली बार जब गया था तो 10 रियाल का जंबो हो गया, तो 10 रियाल का जंप हो गया, तो महंगाई वहां भी बहुत है, उन लोगों ने टैक्स लगा, एक तो हमारा जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, वहां भी महंगाई बहुत, यहाँ भी महंगाई, वहां उससे भी उधर टैक्स लगा रहे हैं, इधर से ज्यादा उधर महंगाई है, टैक्स लगा रहे बार बार, इधर का तो करेंसी नहीं रुकता है ना, हाँ इधर तो करेंसी आजकल डॉलर बिल्कुल रुकते नहीं है, बस दिन पर दिन ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं आता, 5 रुपए नीचे आते हैं तो 10-15 रुपए ऊपर जाता है, बिल्कुल इस तरह है, पाकिस्तान में कोई चीज भी नीचे नहीं आया ना सस्ता हुआ है, पाकिस्तान अल्लाह खैर करे कि ये हमारा ये सफर और ये रवानगी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, अच्छी गुजर गए ना तो अच्छा हो गया यार, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा, दुआओं में याद रखो, दुआओं में याद रखो। कब लोग इतना था और इंशाल्लाह कल इससे बड़ा होगा, और अब हमारे साथ रहे और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें यार, और सब्सक्राइब कर दे जल्दी जल्दी जाए, और बेल आइकन को दबाए कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी पहुँचे।